हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनामिका आपको बताऊंगी पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। पनीर बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर ले लिया है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर ले लिया है 1/2 चम्मच, पनीर मसाला ले लिया है 1 चम्मच और लाल मिर्ची 1/2 चम्मच। यहाँ पे मैंने ये मटर ले लिया है 1 कप जो बॉयल है, और पनीर है उसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। जीरा ले लिया है 1/2 छोटा चम्मच। यहाँ पे मैंने अदरक के टुकड़ा ले लिया है, 1 प्याज ले लिया है और 1 टमाटर ले लिया। इन सारी चीज़ों को मिक्सी में पीसना है। यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी है वो बना ली है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक पैन ले लिया है, गैस ऑन कर ली है और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसमें जो पनीर के क्यूब्स हैं उन्हें डाल दें और उन्हें फ्राई होने दें। पनीर के जो क्यूब्स हैं वो फ्राई हो गए हैं अच्छे से दोनों तरफ से, तब इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लें। अब उसी फ्राई पैन में मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा चटकने के बाद इसमें जो प्योरी बना के तैयार की है वो डाल दें। आप प्योरी अलग अलग बना सकते हैं, प्याज अलग पीस सकते हैं, टमाटर अलग पीस सकते हैं, बट मैंने आप एक में ही पीस लिया है, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें, धनिया पाउडर डाल दें, पनीर मसाला डाल दें और नमक डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। इसे 2 से 3 मिनट तक मसाले को अच्छे से भूनना है। मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है और इसमें अब मैं 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। आप प्याज और टमाटर को एक में भी पीस सकते हैं और अलग अलग भी पीस सकते हैं। और अब इस ग्रेवी में ये जो बॉयल मटर हैं इन्हें डाल दें और इसे ढक के पका लें 2 से 3 मिनट तक। ढक्कन हटा दिया है और मटर जो है वो पक गई है। अब इसमें पनीर डाल दें। अब मैंने पनीर डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे भी ढक के 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है। अब मैंने ढक्कन हटा दिया है और ये देखिए पनीर बनकर तैयार है। पनीर की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। अगर ये मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और शेयर करिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।